नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में दूरसंचार सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने को लेकर एडीजी टेलीकॉम उत्तराखंड डॉक्टर वी मुरुगेशन द्वारा नैनीताल पुलिस के हल्द्वानी सिटी कंट्रोल रूम व कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण कर दूरसंचार सहित कमांड कंट्रोल सेंटर, सिटी कंट्रोल रूम, डायल 112, सीसीटीवी सिस्टम, पुलिस संचार कर्मशाला आदि का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारियां प्राप्त की और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान एडीजी द्वारा उपकरणों के रखरखाव को लेकर सराहना की गई। इस मौके पर आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी पंकज भट्ट, एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र, एसपी सिटी हरवंश सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। शराब के नशे में वाहन चलाने तथा आपस में लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष गंगोलीहाट मंगल सिंह व थानाध्यक्ष कनाली सिन्हा दिनेश चंद्र सिंह द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में 2 वाहन चालकों वीरेंद्र सिंह गंगोलीहाट व महेश चंद्र कुमोड़ को शराब के नशे में वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन सीज किए गए। थानाध्यक्ष अजय देवल, प्रकाश पांडे व टीम द्वारा 4 लोगों लक्ष्मी देवी, गणेश राम, पुष्पा देवी, ललित राम को जमीनी विवाद के चलते आपस में लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151, 107, 116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। अपर उप निरीक्षक जगत सिंह व महिला कांस्टेबल सुनीता द्वारा 3 महिलाओं नंदी देवी, गोविंदी देवी और प्रीति आपस में लड़ाई झगड़ा करने पर धारा 151, 107, 116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। यातायात नियमों व मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने पर 135 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई और 7 वाहन सीज किए गए। सत्यापन अभियान के तहत 21 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के संबंध व चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर आज पुलिस प्रेक्षक विशाल गुनी द्वारा पुलिस कार्यालय बागेश्वर के समस्त जोनल पुलिस अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, एफएसटी, एसएसटी टीमों के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ आयोजित गोष्ठी के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। ऑपरेशन जन जागृति अभियान के तहत चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार गुरुकुलम एकेडमी मानेश्वर लोहाघाट में एक कार्यक्रम का आयोजन कर छात्राओं व स्थानीय लोगों को उप निरीक्षक यातायात ज्योति प्रकाश द्वारा मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों, यातायात नियमों, साइबर क्राइम हेल्पलाइन सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। बाइक चोरी करने वाले आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते 12 अगस्त को कनकल थाने में एक व्यक्ति गौरव ने उसके भाई की बाइक चोरी होने की तहरीर दी थी। उप निरीक्षक धननाम शर्मा और टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए आज चोरी की बाइक के साथ आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली। इधर थाना भगवानपुर में एक व्यक्ति द्वारा 2 मोबाइल फोन चोरी होने की रिपोर्ट दी। तहरीर के आधार पर उप निरीक्षक विपिन कुमार व टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए आरोपी ललित पवार निवासी सहारनपुर व अंसलोबरा सहारनपुर को चोरी किए मोबाइलों के साथ गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्रांतर्गत काली नदी किनारे एक अज्ञात शव मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर व एसएसबी संयुक्त टीम द्वारा नदी किनारे सड़ी गली व जलीय अवस्था में पत्थरों के बीच फंसे शव को निकाला गया और पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई के बाद 72 घंटे के लिए धारचूला मोर्चरी में शव रख दिया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को शव के संबंध में जानकारी होने पर धारचूला पुलिस से संपर्क करने को कहा है। टीम में उप निरीक्षक मेघा शर्मा, फायरमैन मुकेश कुमार, एसएसबी कांस्टेबल दिलावर यादव सहित अन्य कर्मी शामिल थे। देहरादून पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री व नशे पर रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रभारी निरीक्षक डालनवाला के निर्देशन में उप निरीक्षक कुसुम पुरोहित व टीम द्वारा बीते दिवस चेकिंग के दौरान छिब्बर मार्ग तिराहा के निकट से आरोपी नवीन कुमार उर्फ टॉनी के कब्जे से 5.11 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर उसके खिलाफ धारा 8/21/60 NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले पंजीकृत हैं। एक गुमशुदा हुई विवाहिता महिला को उसकी 4 वर्ष की बेटी के साथ पुलिस और साइबर टीम सेल के प्रयासों से सकुशल बरामद कर लिया। आज अल्मोड़ा साल्ट थाने में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसकी बहू अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ कहीं बिना बताए चली गई है। सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए एसएसपी आरसी राजगुरु के आदेशानुसार थानाध्यक्ष साल्ट अजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में गठित टीम द्वारा
सर्विलांस सेल की सहायता से जानकारी जुटाते हुए गुमशुदा महिला और बच्ची को डिकुली रामनगर से सकुशल बरामद कर लिया। एनआई एक्ट मामले में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न होने पर एक वन दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस मीडिया सेल नैनीताल से मिली जानकारी के अनुसार एनआई एक्ट के 3 मामले के वांछित वारंटी वन दरोगा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न होने पर खनशु थानाध्यक्ष भुवन पांडे, हेड कांस्टेबल राजा राम, कांस्टेबल ललित आगरी द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार की बढ़ती सक्रियता से जहां लोग भयभीत हैं, वहीं एक बच्ची को आज उठा ले जाने की खबर बेरीनाग के चतरे ग्राम पंचायत के कलित गांव से आ रही है। सूचना पर वन विभाग, तहसील प्रशासन, पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बेरीनाग तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चचरित के कलित गांव में 4 वर्षीय बालिका राखी आंगन में खेल रही थी। इस दौरान गुलदार ने झपट्टा मारा और बच्ची को उठाकर ले गया। घटना लगभग 7 बजे की बताई जा रही है। बालिका के पिता शंकर दत्तुरबाली व माता हेमा देवी ने शोर मचाया, पर गुलदार बच्ची को लेकर जंगल की ओर चला गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग, SDO ज्वाला प्रसाद, वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा, SDM AK शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रभात कुमार सहित टीम स्थल को रवाना हो गई थी। बताया जा रहा है कि बालिका के पिता मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। बच्ची को गुलदार के उठा ले जाने के बाद से वे सदमे में हैं। घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में भी आक्रोश पनप रहा है। ग्राम प्रधान महेंद्र मेहरा व क्षेत्र पंचायत सदस्य यामिनी भट्ट ने शीघ्र पिंजरा लगाई जाने व शिकारी तैनात किए जाने की मांग वन विभाग से की है। समाचार पढ़े जाने तक टीम सदस्यों व ग्रामीणों द्वारा बच्ची की खोजबीन जारी थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के चंद्रभागा में जागरूकता की नई पहल व जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।